पिछले महीनों में हुई बारिश के चलते लाई, मटर और गेहूं की फसल में भारी नुकसान होने से किसानों ने बेमौसमी धान की फसल लगाकर पिछले हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए बेमौसमी धान लगाए थे, लेकिन इस बार भी बरसात के कारण मौसमी धान की फसल को काफी नुकसान हो गया है और लगातार बढ़ रहे डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोगों को फसलों की सिंचाई करने में संकट खड़ा हो गया है, जिससे किसानों की कमर टूट गई है। देखिए सर, ये धान जो है बेमौसमी धान है, ये बरसात का टाइम है, तो जैसे हवा तेज और बरसात हुई है धान गिर गया, गिरने के इसमें हमारा जो है कम से कम भी 50% नुकसान हो गया जी। धान तो करीब 4 एकड़ है, मतलब धान तो ज़्यादा है, 4 एकड़ जो है उसमें नुकसान हुआ है। देखो जी, इसमें मैं आपको बताया, पहले बताया कि 50% इसमें नुकसान है हमारा, आधा जो मान लो ये धान 30 क्विंटल निकलता है वो 15 क्विंटल निकलेगा। नहीं, इसकी मांग तो हम तो करते हैं गवर्नमेंट मुआवजा, जब प्रधानमंत्री बीमा योजना स्कीम चली है उसमें हमारे पैसे भी कटते हैं, किसानों के पैसे भी कटते हैं, उसमें मिलता किसानों कुछ नहीं। नहीं, हमारी इंडस्ट्री में इसके पूर्व में हमारे काश्तकारों की मटर ख़राब हुई है, गेहूँ ख़राब हुआ है, और हमारी मटर की फसल सारी बर्बाद हो गई है जी। गेहूँ की फसल कई जगह बोई नहीं गई, जहाँ बोई वहाँ दो बार बोई तो भी बारिश नहीं होने दी, वो भी नुकसान हुआ। और साथ में जो है फिर लोगों ने क्या करा कि मजबूरी में फिर धान लगाए, लाई की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। लाई तो हुई नहीं इस साल, लाई तो सब हुई नहीं, क्यों नहीं हुई, इस वजह से नहीं हुई कि बरसात ने बिल्कुल दबा दी लाई। सबसे लाई और मटर जो है ये सबसे कच्ची फसल होती है, इससे तो बरसात पड़ते ख़त्म हो जाती है, कि किसान को तो हर तरफ मार पड़ती है, कुदरत की मार भी और साथ साथ सरकारों की मार भी। अब देखिए डीजल के दाम कहाँ पहुँच गए, रोज़ दाम बढ़ रहे हैं, और किसान का जो फसल बोने का टाइम है, इस टाइम दबा दब धानों की बुआई चल रही है, ट्रैक्टर डीजल खा रहे हैं, पंप सेट चल रहे हैं, तो रेट बढ़ेगा तो किसान कहाँ जाएगा, किसान तो बर्बाद ही है जी। सब कोई सरकार, हमारे यूनियन जो है किसान यूनियन पूरे इंडिया में नहीं 67 देशों में है, देशों में है वर्ल्ड के, वो हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, मगर इंडिया में सबसे ज़्यादा रेट जो बड़ा है डीजल का इंडिया में बड़ा है, हमारा पड़ोस में पाकिस्तान है उसमें रेट नहीं बढ़े, आर्थिक स्थिति वहाँ भी कमज़ोर है मगर वहाँ डीजल का रेट नहीं बढ़े। हमारी जो इंडिया गवर्नमेंट है इसने रेट किसानों के एंड टाइम पे फसल बोने के टाइम पे रेट बढ़ाए हैं, इसमें आर्थिक किसान का बहुत नुकसान है। इससे पहले गेहूँ, लाई और मटर की फसल बर्बाद हो चुकी पर बारिश के कारण, हाँ जी, उसके वजह से बेमौसमी धान की फसल ली हमने इसलिए कि पिछले पैसे की रिकवरी हो सके, लेकिन ये बारिश और अब बारिश की वजह से ये फिर बर्बाद हो चुकी है और हमारी सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही इस बात को, नहीं अभी तक तो नहीं करवाया। वैसे इससे किसानों को काफ़ी बड़ा नुकसान है क्योंकि डीजल और पेट्रोल के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और फसल का रेट नहीं बढ़ रहा बिल्कुल, तो हमारी यही सरकार से मान है फसल का रेट भी बढ़ाया जाए। ये हमारी करीब 4-4.5 एकड़ के आसपास नष्ट हुई है और करीब 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ है।